नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के दौरान एक महिला नायब तहसीलदार का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है, जिसमें उसके ही सरकारी आवास पर आकर ही गलत वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। यह घटना को अंजाम देने वाले और कोई नहीं, एक राजस्व अधिकारी हैं जो नाकाम होने के दौरान मौके से फरार हो गए हैं। इसके बाद युवती ने मेडिकल कराया है और उसके बाद राजस्व अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। पूरा मामला बस्ती से निकल कर आ रहा है, जहाँ पर 25 वर्षीय अविवाहित महिला नायब तहसीलदार ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि 12 नवंबर की रात करीब 1 बजे मेरे सरकारी आवास के बगल में रहने वाले नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला 36 वर्षीय आवास से निकलकर आए हैं और उनके दरवाजे को खटखटाया है, जिसके दौरान जो जबरदस्ती करते हुए उसने दरवाजा खोल लिया है और इस दौरान घटना को अंजाम देने की कोशिश करने लगे, लेकिन कई बार मशक्कत की है, जिसके दौरान उसे मौके से फरार किया है। जैसे तैसे वह बच पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब उसने 3-4 दिन बाद अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद अब उस पर रिपोर्ट दर्ज करा दी है और मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए जल्दी इस मामले में जांच पहचान करने के दौरान उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।